एक्चुअली प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है क्योंकि न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं बिकॉज उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट. आप उधर ही आ जाओ ना प्लीज, पीछे आ जाओ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक फेक. सो एनीवे, ओके, सो न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज जो होते हैं वो काफी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफी ज्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए. तो जी मैं दो एक्ट्स करूंगी और वो काफी यू नो यूजुअल परफॉर्मेंसेस से लंबी होती हैं. सो रिहर्सल्स काफी चल रही हैं एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होते हैं. तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर टू डू अ गुड शो. सो या रिहर्सल्स काफी ज्यादा हो रही है. गौहर, इस बार हम कोई खास तरह के डांस परफॉर्मेंस ऐसे किसी मतलब स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताया कौन से नंबर? ऑफ कोर्स अगर यू नो एक न्यू ईयर नाइट होती है तो वन थिंग दैट इंडिया वॉन्ट्स इज बॉलीवुड. तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफी ज्यादा यू नो हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है. सो दैट यू मेक इट क्वाइट लॉन्ग एंड या सॉरी दैट्स माय आई एम सो सॉरी व्हेन यू ट्राई मेक इट ऑन टाइम व्हेन यू फॉरगेट अबाउट योर फोन. सो हाँ, द हिट नंबर्स सारे जितने हिट नंबर्स हैं उनका एक बहुत ही अच्छा मैशअप बना के विनोद सुमित कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने बनाया है. और कंट्री क्लब की मुंबई की जो पार्टी होती है वो उनकी बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट होती है. तो इट हैज टू बी गुड एंड वी आर ट्राइंग टू यू नो मेक इट द बेस्ट. और भी जैसे कि अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इस बार मतलब कोई खास तरीके का आपसे कुछ नया एक बार कुछ गौहर का स्पेशल कुछ देखने को मिलने वाला है? आई थिंक गौहर का डांस ही स्पेशल होता है. सो नहीं, कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली. सो आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है उस उधर परफॉर्म करने के लिए. मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ. सो आई थिंक माई USP इज माई एनर्जी, माई एक्सप्रेशंस. अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो यू नो थोड़ा फीका रह जाता है. सो आई गेस दैट्स माय USP. का जो टाइम होता है उसमें मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं. जी, क्राउड होता है और बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खासकर. आप प्लीज नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा. नहीं सीरियसली, बिकॉज ध्यान रखेंगे इसका. ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सो नेगेटिव. मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूंगी. जी 2015 को या 2014 को? वेल, कल एक न्यूज पेपर, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट यू नो इम्पैक्टफुल फेसेस ऑफ दिस ईयर कहा गया है. सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम आ गया है दिस ईयर. एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इज जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज्यादा प्यार मिले और भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिले. और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो. 2015 you seem to be coming in a very big way as an actress, like a lead actress. Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually I'm keeping my fingers crossed about that and जैसे कहते हैं ना don't count your eggs before they are hatched. तो मैं एक्चुअली अभी काफी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है. बहुत जल्द हम बहुत ही एक आई एम गोना मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट दैट. Yeah, we've completed the shoot and
2015 आई होप इज अ फिल्म ईयर फॉर मी, जहां पर मैं काफी सारे अनाउंसमेंट्स करूँ अबाउट माई फिल्म इज वेल. बट वन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड जिसका नाम है फीवर, और वो होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर आ जानी चाहिए. उसके लिए भी काफी यू नो टू मेक इट अ गुड वन वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स, सो लेट्स सी इंशाल्लाह. Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes. You have enjoyed the film? Yeah, I loved it. You know, but there are a lot of people, you know, like groups coming out and saying that, you know, it's, you know, religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from theaters. But the censor board is actually supporting the film, and they're saying that we should not, you know, stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So. आई थिंक ऐसी तो कितनी मूवीज आई हैं जो एक मैसेज लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे. और इट्स अ जनरल आइडिया. आई थिंक राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे, एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की जरूरत है. या आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आउटलुक ऑफ पीपल. जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं, सिनेमा समझते हैं, सोशल मैसेज समझते हैं, तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की. तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज आई हैं, एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही. अभी मुझे जैसे इट्स अबाउट आई थिंक वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए ऑफ थॉट एंड आर्ट. सो बट एज अ फिल्म, यू नो, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, आर यू हैप्पी दैट द सेंसर बोर्ड एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट इज विद, वेल आई डोंट नो इफ सम फिल्म मेकर्स दे आर सपोर्टिंग देम. Well, like I said, I was not a part of the film, so I hope that whatever the law-making bodies feel is right, they should do that. And I think overall it was a really nice film. And I hope someday Rajkumar Hirani ke saath bhi kaam karne mauka mile, because he is something else. He is brilliant, and Aamir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Valla. This year I didn't have a song. Yes, and do we have anything? Yes, inshallah. And which is the tougher part, do you think, performing on stage or shooting for a song? I think dono hi tough hote hain. Jaise ki agar aap shoot kar rahe hain to काफी सारी दिक्कतें आती हैं. आपको बाल परफेक्ट रखना होता है, और एक भी लटके यहीं से यू नो कहीं हो जाए तो वो ज्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं. कभी कभी एसी सेट्स नहीं यू नो नहीं होते तो उसमें भी डिफिकल्ट होती है. आउटडोर शूट होता है, डिफिकल्ट होता है. लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफिकल्ट चीज होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए, बट यू हैव टू कैरी ऑन. और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. सिंगर आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने ज्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में. बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम, श्रेया एंड सुनिधि. हाँ, आई एम श्योर उन्होंने, वेल उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के. मैं रेजोल्यूशन नहीं बनाती क्योंकि नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती. आप वो वैसे ही कर सकते हैं. जैसे कि मैं कहूंगी इस साल मैं अच्छी बनूंगी, आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशन. हाय गौरव, मैं नितिन भारती न्यूज टीम से. हाय, बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत. कैसा लग रहा है? यू नो, अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो जरूर बताती, लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ. क्योंकि आप विनर थी पिछली बार, तो इस बार यू नो देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है? आई थिंक थैंक गॉड मैं विनर थी, इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ. तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब, लेट्स टॉक अबाउट दैट. और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ अलग अलग जगह पे. जी, एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस होंगे. क्या हो जाती है? प्रतियोगिता हो जाती है. प्रतियोगिता हो जाती है. हाँ, कौन कितना अच्छा और कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा लोगों ने एंजॉय किया. रियली? वाओ यार, पीपल शुड टेक आइडियाज फ्रॉम यू अबाउट क्या हो जाती है.
मतलब इट्स लाइक रियाना अगर अमेरिका में परफॉर्म करे न्यू ईयर नाइट पे, तो मुझे यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. और कंट्री क्लब के लिए तीनों टू रियली कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन. ये एक स्टेज नहीं है, ये अलग अलग शहर है. बिलोंग टू वही कंट्री क्लब के लिए वो बैंगलोर में करें आप यहाँ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन लेवल होता है ना. नहीं कॉम्पिटिशन होने एंजॉय करेंगे परफॉर्मेंस, ये बात कहीं ना कहीं आपके लिए होती होगी, मेरे लिए तो नहीं होती. क्योंकि जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं, आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि आप वो स्टेज को उस वक्त के लिए ओन करते हैं. और आपके बाद कौन आएगा, आपके पहले कौन आएगा, और यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता. क्योंकि मुंबई में मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं मुझे मुंबई का कंसर्न है, एंड आई एम श्योर दैट वील रॉक इट. और कभी स्टेज परफॉर्मेंस की बात करिए, आपने कभी किसी का देखा है किसी बॉलीवुड जो आपको बहुत पसंद आया, कभी लाइव आपने कभी नहीं देखा? यू मीन एज एन एक्टर परफॉर्मर या सिंगर्स? लाइव आई थिंक देखो परफॉर्मर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन somebody who does really brilliantly live, one of them of course is Madhuri Dixit ji. I think she is brilliant. I think वो अगर सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तो उनके expressions are enough to the crowd to you know go crazy. लेकिन अगर सिंगर्स की लाइक ओवरऑल परफॉर्मर्स की बात करूं, तो मैंने दो लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखा हुआ है. वो में से एक थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और दोनों ही के ही वक्त मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे. दे आर सो गुड. सो या बहुत 2015 में का आपका मैरिज नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है. और यू नो एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूंगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट. एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट करूं, और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो जरूर बताऊंगी. अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे थे ना, मैं आपका सवाल का जरूर जवाब देती, लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी. बट चॉइस तो मेरे पास है, मैं चॉइस टू आंसर की बात कर रही हूँ, इस वक्त मुझे आंसर नहीं करना जी. No, no, it can wait. I have to be fully ready for it. Thank you. जी एक क्या कर रहा है यार, सदाब यार, सदाब. तो सभी दर्शकों को गौहर खान की तरफ से और कंट्री क्लब के इस न्यू ईयर बैश की तरफ से a very very happy new year, god bless, do great things. Thank you. Conflicting all in all, so nobody does it with purpose, I'm sure. So I just think it's something that happens, and it's not deliberate, obviously. I think even the censor board is actually going ahead and supporting the film and they're saying that you know we want to go ahead with it and we will not cut anything. So that's a good thing, right? I mean, being apart from the industry, what is your thing? I won't be able to say anything until I actually watch the film, but it's absolutely. I'd like to wish all the viewers a very happy new year. Have a super rocking 2015. Make the resolutions that you make, and just enjoy yourself. Did you have any resolution for 2014 and did you break them? In 2014, I actually did not make any resolutions because I knew that they're all going to be broken. But this year, I have to keep all my resolutions that I made.
आपने जो पढ़ा है वो ऑफिशियल नहीं है अभी तक, आपने जो पढ़ा है वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है. कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो डेफिनेटली जनवरी में आपको मिलेगी, बिकॉज आई स्टिल हैव टू रीड द फिल्म, सो इट्स नॉट ऑफिशियल. I just make a very general comment on this thing. I think it's a very very interesting subject. वजह से ऑफकोर्स उन्होंने मेरे लिए पिकअप किया है एंड आई एम श्योर दैट मिस्टर अदर हैज मिलियंस ऑफ फैंस एंड दे लव टू वॉच यू नो हिज स्टोरी अनफोल्ड ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक इट विल मेक फॉर अ ग्रेट फिल्म. प्राची कबीरिया फ्रॉम फिल्म्स ऑफ इंडिया, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. And then suddenly we forget about it in Jan or Feb. Do you think New Year resolutions are a farce? Is this a fun thing for time pass or something? Of course it is. You know, you think it is a farce. You think of it only when it's happening, right? Like exactly. Like you think of Valentine's Day only in February. Right. You think of New Year only in the last week of December, or maybe just in the month of December. That's how it is. You know, it's all momentary. But if you know you want to be disciplined and keep something on, then I don't think anything can stop you, whether it's a new year or not. You know, if you want to follow something, you'll follow it anyway. So I think resolutions should be so much fun that you know, you by choice or just by default have to follow it. We shouldn't just limit it to this. आप के साथ गोहर और ईशा गुप्ता भी perform कर रही हैं अलग-अलग तरह से. मैंने आपसे सोचा कि मुंबई में ही perform करना है. मैंने एक्चुअली मुंबई में कंट्री क्लब के लिए 2012 की परफॉर्मेंस ऑलरेडी किया हुआ है एंड दिस ईयर आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू बी इन दिल्ली समवेयर डिफरेंट. मैं तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा बिकॉज यू नो इन टुडेज़ टाइम यू नो एवरीथिंग इज सो फास्ट इन यू नो आउट देयर एंड पीपल आई थिंक दे जस्ट जज सो इजीली. So you have to give it your best, you know, everything has to be great and perfect. Chahe aap akele ho, koi aur hai ya nahi hai, you just have to do your best. How's the rest of your lineup for you? Well, that depends if there's another great number like that, why not? But yeah, in terms of films, you'll hear more than... From the new year. Would it start from today with this event, tweeting about it? Because your last tweet was, I think, on September 26th. Not that I'm stalking you, but just asking a question. No, I'm actually glad. Thank you. Yeah, my internet connection was working, so yeah, that's right. I saw that. I saw you checking. Yes, I think today would be a great day. I think it would, To begin. Why wait for the first, you know? Let's do it today. Okay, cool. Okay, Prachi, apart from performing, ये जो डिले है ये इट्स नॉट इंटेंशनल. कुछ फिल्में थी जो 2013 में सॉरी 2014 में बनने वाली थी. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जो तुलना हो या कहीं तरह से कॉम्पिटिशन हो जाते हो, यू आर गेटिंग एम्बिशियस, यू आर गोइंग आउट ऑफ वे, यू शुड आस्क मी दिस कमिंग जनवरी. आई थिंक वी हैव अ क्लियर पिक्चर. The rehearsals are pretty kick-ass right now. Thankfully, you know, no injuries, nothing, but just full of fun. Enjoying it a lot because I think, New Year is so exciting for everybody. And it's sort of different to be celebrating it with so many people all together. So I think the performance in its own, you know, it's not stressful or anything. It just becomes a lot of fun. I think it's all, you're right, there are lots of songs jahan par, you know,
सबको बहुत सुन के मजा आता है एंड परफॉर्म भी किया जा सकता है. वन ऑफ माई फेवरेट्स वुड हैव टू बी आई थिंक यार ना मिले फ्रॉम किक. Well, yes, Awari is a part of the medleys that I'm doing, and so is Pilu. I think that remains a constant. Prachi, once that people like to go and enjoy their New Year with their family, they want to go out on a vacation. Yes. Most of the people from Bollywood ask, how come you choose to work on that? This year I am performing, but पिछले साल मैंने न्यू ईयर्स पर कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, यू नो. पिछले साल आई हैड अ ग्रेट टाइम विद फैमिली एंड दिस ईयर आई विल बी परफॉर्मिंग. सो इट्स वर्क, बट येट एट द सेम टाइम यू नो देर आर गोइंग टू बी सो मेनी पीपल, सो इट विल बी फन अलॉन्ग विद दैट. लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट ईयर अगेन आई चूज टू स्पेंड इट विद फैमिली और मे बी परफॉर्म, आई डोंट नो. सो आई थिंक इट्स ओके, यू नो, इट्स अबाउट चॉइस. Actually, I think I need to make many resolutions this year, because I've been, you know, told by the people who work with me very clearly that this year I have to be more active on social media. So I think ये मेरा एक resolution जरूर है कि इस साल मुझे social media पर ज़्यादा active रहना है. Apart from that, I think I should make a resolution कि मुझे एक से ज़्यादा film तो करनी चाहिए इस साल. That's another resolution for me. Apart from that, all the fun things I think they're taken care of anyway. Are you signed a movie with Imran Hashmi, like opposite Imran Hashmi? So how are you going to set up for the role? Well, it's actually not official yet. I am reading the script, and I think once this performance is over and New Year event and everything is done, tab New Year mein I think sari baatein official hogi. अब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, सो आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट, बट आई कैन से दैट इफ इट हैपेंस देन इट विल बी अ ग्रेट वन फॉर मी. द लास्ट ब्लॉकबस्टर रिलीज ऑफ 2014 पीके. अनफॉर्चूनेटली आई हैवंट येट वॉच्ड इट. नो, यू हैवंट? नॉट येट. सो देयर आर सम कंट्रोवर्सीज व्हिच आर कमिंग अप wherein people are trying to you know comment that the religion is being brought into the picture. So as an actor, do you think that it, you know, such things shouldn't be taken into consideration when it comes to a creativity of a filmmaker? I actually will not be able to comment on एक पर्टिकुलर फिल्म. आप जिस फिल्म की बात करें, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो अब तक नहीं देखी है, मैं जरूर देखूंगी. आई वोंट कमेंट ऑन, बट आई कैन से दैट ये चीजें आई थिंक बहुत कॉमन है. एवरी अदर डे यू आर गोइंग टू सी दीज थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि शायद जब कहानियां लिखी जाती है या यू नो प्लॉट बनते हैं, इट्स सो टफ टू कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड एंड येट बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड एट द सेम टाइम आप अपना मैसेज भी देना चाहते हो. आई थिंक इट बिकम्स so conflicting all in all. So nobody does it with purpose, I'm sure. So I just think it's something that happens, and it's not deliberate, obviously. And, you know, even the censor board is actually going ahead and supporting the film, and they're saying that, you know, we want to go ahead with it and we will not cut anything. So that's a good thing, right? I mean, being apart from the industry, what is working? I won't be able to say anything until I actually watch the film, but if that's what they're saying, then I think it's a good thing. Some wishes for the viewers? Absolutely. I'd like to wish all the viewers a very happy new year. Have a super rocking 2015. Don't break the resolutions that you make, and just enjoy yourselves. Did you have any resolution for 2014 and did you break it? And 2014 I actually did not make any resolutions, kyunki mujhe pata tha that they are all going to be broken. But this year I have to keep all my resolutions that I make. वेल एक्चुअली आपने जो पढ़ा है वो ऑफिशियल नहीं है अभी तक. सॉरी, आपने जो पढ़ा है वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है. कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो डेफिनेटली जनवरी में आपको मिलेंगी, बिकॉज आई स्टिल हैव टू रीड द फिल्म, सो इट्स नॉट ऑफिशियल. कैसी लग रही है आपको इस स्क्रिप्ट, आप पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है, क्या चीज खास आपको पसंद आ रहा है कि ये फिल्म आप करेंगे, मतलब आप इच्छुक हैं? You really want me to be killed here only? I just make a very general comment on it, saying I think it's a very very interesting subject. Jis wajah se, of course, unhone bhi ye pick up kiya hai, and I'm sure that Mr. Azhar has millions of fans, and they'd love to watch you know his story unfold on screen. And I think it'll make for a great film. Kabiria from Junkar, India. Do you think that New Year resolutions like
and we approach the 31st December every year, people start talking about it. And then suddenly we forget about it in Jan or Feb. Do you think New Year resolutions are a farce? Is this a fun thing for time pass or something? Of course it is, you know, you think of it. You think of it only when it's happening, right? Like you think of Valentine's Day only in February. You think of New Year only in the last week of December, or maybe just in the month of December. That's how it is, you know. It's all momentary. But if you know you want to be disciplined and keep something on, then I don't think anything can stop you, whether it's a New Year or not. You know, if you want to follow something, you'll follow it anyway. So I think resolutions should be so much fun that you know, you by choice or just by default have to follow it. You shouldn't. December or Jan, right? Yeah. आपके साथ गौहर और ईशा गुप्ता भी परफॉर्म कर रही हैं अलग अलग जगह पे। जी आपकी बात ही आपसे पूछा गया था कि आप कहाँ परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से मैंने आपने सोचा कि मुंबई में ही परफॉर्म करना है? मैंने एक्चुअली मुंबई में कंट्री क्लब के लिए 2012 भी परफॉर्मेंस ऑलरेडी किया हुआ है, एंड दिस ईयर आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू बी इन दिल्ली समवेयर डिफरेंट. So that's how Delhi, I think, has happened for me. एक कड़ी प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब एक ही साथ के लोग. Oh my God, no way. You know, कोई और परफॉर्म करे या ना करे, हमें तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो इन टुडेज टाइम यू नो एवरीथिंग इज सो फास्ट एंड यू नो आउट देयर एंड पीपल आई थिंक दे जस्ट जज सो इजिली, सो यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, यू नो एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेट एंड परफेक्ट, चाहे आप अकेले हो कोई और है या नहीं है, इट यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट. Well, that depends if there's another great number like that, why not? But yeah, in terms of films, you'll hear more than one announcement in January. Okay, Prachi, listen. You'll be more active on social media from now, from the new year. Yeah. Would it start from today with this event, tweeting about it? Because it has last to. Last tweet was, I think, on September 26th. Not that I'm stalking you, but just asking a question. No, I'm actually glad. Thank you for following up. Was working for I saw that. I saw you checking. Yes, I think today would be a great day to actually to begin. Why wait for the first? You know, let's do it today. ओके प्राची, पार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस बात की जाए, आप जब भी मतलब आप बहुत देरी से पर्दे पे दिखाई दे रही हैं, मतलब आपके जो भी प्रोजेक्ट है काफी समय बाद आ रहा है, तो क्या रीजन है, मतलब कोई अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं रहे हैं? वेल एक्चुअली ये जो डिले है ये इट्स नॉट इंटेंशनल. कुछ फिल्में थी जो 2013 में सॉरी 2014 में बनने वाली थी, मगर इट डिड नॉट गो ऑन फ्लोर इन टाइम, एंड उनमें से एक या दो बनी ही नहीं है अभी तक. सो आई गेस दैट इज वाई दिस होल लॉन्ग गैप, बट थैंकफुली वट एवर इज हैपनिंग नाउ इट्स ऑल गोइंग हैपन फास्ट, सो इन 2015 इट वोंट बी सच अ लॉन्ग वेट. Where is it coming from? That's it. Any other question? Yeah. I just told you nothing is official yet. How would I be able to comment on anybody else? जो यू आर गेटिंग एम्बिशियस, वी आर गोइंग आउट ऑफ वे, यू शुड आस्क मी दिस कमिंग जनवरी. आई थिंक वील हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट. या थैंक यू गाइस, आई कम हियर एंड टेक पिक्चर.
प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा है कैमरा फिल्म सेंटर सेंटर आप उधर ही आ जाओ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक से याद है याद है सो न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज जो होते हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए तो जी मैं दो एक्ट करूँगी और वो काफ़ी यू नो यूजुअल परफॉर्मेंसेज से लंबी होती हैं सो रिहर्सल कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होते हैं सो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर टू डू अ गुड शो सो या रिहर्सल काफ़ी ज़्यादा हो रही है ऑफ कोर्स अगर यू नो एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वॉन्ट्स इज बॉलीवुड तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्राई मेक इट एन टाइम लेकिन फॉरगेट अबाउट इट सो आई थिंक और का डांस ही स्पेशल होता है सो गाना स्पेशल है तो उसके पास तैयार नहीं कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली सो गॉगल व्हाट इज योर बिगेस्ट सेट व्हिच इज हर्टिंग इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसमें नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है उस उधर परफॉर्म करने के लिए मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ सो आई थिंक माई यूएसपी इज माई एनर्जी माई एक्सप्रेशन अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो यू नो थोड़ा फीका रह जाता है सो आई गेस दैट्स माई अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहती हूँ 2014 को किस तरह से देखती है गौरव के लिए 2014 को किस तरह से देखती है 2015 को कल एक न्यूज पे वन ऑफ द लीडिंग न्यूज पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट यू नो इम्पैक्टफुल फेसेस ऑफ दिस ईयर कहा गया है सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है दिस ईयर आई हो और भी ज्यादा प्यार मिले और भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिले और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो फिल्म ईयर फॉर मी जहाँ पर मैं काफी सारे अनाउंसमेंट करूँ अबाउट माई फिल्म बट वन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड वॉट एवर लॉ मेकिंग बॉडीज और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग जगह पे एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस हैं क्या हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है कितना अच्छा और कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा लोगों ने इंजॉय किया और बॉलीवुड और कंट्री क्लब के लिए तीनों तीन एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन सवाल
नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है और यू नो एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूंगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट, बट चॉइस तो मेरे पास है। सभी दर्शकों को बहुत मान की तरफ से और काची क्लब की इस न्यू ईयर डैश की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, प्रे थिंग भाई सबका हो गया तो मेरे को बताना, कई बार हो गया सबको बताना। मैं गौर जी।